मामला लमसम 35 से चल रहा है। 35 को हम यहाँ पे मतलब कुछ काम कर रहे थे, तो ये जय सिंह यादव आए और पुलिस बल के साथ हमारा यहाँ पे 2 साल से जानवर पाले थे अंदर, हमारे जानवर मतलब यहाँ से निकलवा दिए और थाने ले गए, हमको रात भर बैठाए रहे वहाँ। वहाँ से सुलह समझौता ये हुआ कि जानवर अपना निकाल लो, लॉकडाउन जब तक है, लॉकडाउन के बाद कोर्ट जब खुलेगी तो कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके बस में आएगा, वो काम करेगा। उसके बाद एक महीना नहीं मिलता, उसके बाद हमारा जब 3 से 4 रहे थे 3 से तोड़ दिए और दोनों भाई को पिताजी को मारे भी। कौन मारा है? जय सिंह यादव के लड़के संदीप कुमार, प्रदीप कुमार और उसके भाई के लड़के राम जस के लड़के लक्ष्मी नारायण और जय नारायण। तो आप थाने में इसके बारे में एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं थाने में। तो थाने से क्या बात हुई है? थाने जाते हैं तो हमें बल्कि उल्टा गाली गलौज जात सूचक गालियाँ देते हैं। कौन गाली देता है? विनोद यादव। क्या बोलते हैं? बोलते हैं भाग जाओ यहाँ, तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं, कब्जा छोड़ दो नहीं तो असलाह लगा के तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ये कौन बोला है? विनोद यादव, सब इंस्पेक्टर करारी। अच्छा, तो आप एसपी साहब के यहाँ शिकायत किए हैं? एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, अभी तक कोई FIR नहीं हुई। कब दिए हैं एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन? एसपी साहब के यहाँ 7 तारीख को दिए हैं, 7 को। ये जमीन कहाँ है? ये जमीन सादिकपुर सेमराहा में है, सादिकपुर सेमराहा पिपरी।